बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम किए जाने के फैसले का लोगों ने स्वागत किया। 100 रुपए बहुत है, देखो गैस सस्ती होगी तो खाना भी सस्ता मिलेगा। गुजरात के वलसाड में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किल बढ़ गई। वलसाड इलाके का ये रिहायशी इलाका है जो जल जमाव की स्थिति है, उसकी वजह से कहीं न कहीं लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। आम बजट से पहले अयोध्या में कारोबारियों ने इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने की अपील की। सरकार को लिमिट कुछ बढ़ानी चाहिए, 5 लाख। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा के लिए सरकार ने 5,000 अतिरिक्त CISF के जवानों की तैनाती की मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शराब की दुकान पर तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में 7 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में चाय इंडस्ट्री लागत से कम दाम पर चाय बेचने को मजबूर है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने प्रियंका गांधी पर पलटवार करते हुए यूपी की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार का बचाव किया। प्रियंका का सवाल निराधार है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त है, चुस्त है। दिल्ली के टिकरी कलां इलाके में कूड़े के ढेर में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद दमकल विभाग की 18 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अमरनाथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था जम्मू कश्मीर के उधमपुर से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हो गया। बाबा का जो स्वरूप है वो सभी को लग रहा है कि इस बार लास्ट तक चलेगा। बिना सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर का दाम 100 रुपए कम हो गया। कृष्णा स्वामी नटराजन ने इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। पुणे में दीवार गिरने से बिहार के 2 मजदूरों की मौत हो गई, जिनका शव विशेष विमान से पटना लाया गया। बेंगलुरु में एयर इंडिया का विमान लैंडिंग के वक्त फिसला, हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के आगरा में कारोबारी को अगवा करने के मामले में फरार बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के औरंगाबाद में कुछ लड़कों ने स्टेशन के बोर्ड पर नाम मिटाकर संभाजीनगर कर दिया, जिसका वीडियो सामने आने पर शिकायत की गई। दिल्ली के नरेला इलाके में फैक्ट्री में भीषण आग लगने पर हड़कंप मच गया। अहमदाबाद में मुस्लिम समुदाय ने जगन्नाथ मंदिर के महंत को चांदी का रथ भेंट कर कौमी एकता की मिसाल दी। इंदौर में सरकारी अधिकारी की बैट से पिटाई के मामले में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बेटे आकाश विजयवर्गीय का बचाव किया। बहुत बड़ा विषय नहीं था, जबरदस्ती बड़ा बना दिया। अहंकार नहीं होना चाहिए अधिकारियों को भी, जनप्रतिनिधि से बात करना चाहिए। मुंबई के हिंदमाता इलाके में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे वहां खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। कि किस तरीके से जो मुंबई की जनता है काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है, उन्हें कमर तक पूरी तरह से पानी भर चुका है। यूपी के आगरा में हाई टेंशन तार टूटकर जमीन पर गिर गया, जिससे निकली चिंगारी से वहां आग लग गई। पानी होगी लाइन में। आज कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस्तीफा देने पर अड़े राहुल गांधी को मनाने के लिए उनसे मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के बालटाल बेस कैंप पर प्रशासन और स्थानीय लोगों ने अमरनाथ यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों ने एक युवक को गोली मार दी। उत्तराखंड के औली में गुप्ता बंधुओं की चर्चित शादी के बाद फैले कचरे को नैनीताल हाईकोर्ट के दखल के बाद साफ किया गया। गाजियाबाद के राजनगर इलाके में मॉल में आग लगने पर 80 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। यूपी के बरेली में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। RSS से जुड़े संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने TMC सांसद नुसरत जहां के खिलाफ जारी किए गए फतवे को गलत ठहराया। नुसरत जहां की अपनी जिंदगी है, वो कैसे लेके जा रही हैं, कैसे लेके उनको आगे बढ़ना है, ये उन्हें ही करना है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में हिंसा के लिए TMC को जिम्मेदार ठहराया और CM ममता बनर्जी पर तीखी टिप्पणी की। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, एक मानसिक चिकित्सक की सलाह की आवश्यकता है। अमरनाथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने सुरक्षा और दूसरे इंतजामों की तारीफ की। इस बार जो सुरक्षा के प्रबंध हैं, वो काबिले तारीफ हैं। नोएडा के सेक्टर 18 में पुलिस ने स्पा सेंटरों पर छापेमारी कर कई लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बांदा में जंगलों में छापेमारी कर पुलिस ने नकली शराब का जखीरा बरामद किया।
बिहार के बेतिया जिले में दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लड़की के ससुराल वालों पर लगा। यूपी के कुशीनगर जिले में पुलिस ने एक प्रेमी जोड़े की शादी थाने में करवाई। यूपी के हाथरस में एलपीजी गैस का टैंकर लीक होने पर अफरा तफरी मच गई। लखनऊ के आलमबाग इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बच्चों की मौत के दौरान उन पर गायब रहने के आरोप लगाने वाले विरोधियों पर पलटवार किया और इसे बेवजह मुद्दा बनाने की बात कही। हमने स्पष्ट कर दिया था ट्वीट करके और उन लोगों का काम है, लोग जो कहना है वो कहें। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बिना इजाजत भीड़ की हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से तीखी बहस हो गई, जिसके बाद पुलिस के लाठीचार्ज में कई लोग घायल हो गए। बिना परमिशन की एक रैली एक जगह पर की गई थी, पुलिस इसको संज्ञान लेके इसमें कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में पुलिस ने किराएदार के यहाँ छापेमारी में हथियारों का जखीरा बरामद किया और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज में घुसे तेंदुए ने कर्मचारी और 2 सुरक्षा कर्मियों को घायल कर दिया। बिहार के सुपौल जिले में मिट्टी को लेकर हुए विवाद के बाद एक आदमी को पेड़ से बांध कर पीटा गया। भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली, गाजियाबाद और हरियाणा में 8वीं क्लास तक के बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई। पंजाब के अमृतसर में कस्टम विभाग ने करीब 2700 करोड़ की ड्रग्स जब्त की। हरियाणा के चरखी दादरी में बेकाबू डंपर ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में 1 की मौत जबकि 2 घायल हो गए।